तिलदा नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलदा के सरपंच सहित पंच एवं ग्रामीण महिला पुरुष युवा भारी संख्या में ट्रैक्टर से तिलदा नेवरा थाना पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। उन्होंने बताया कि गांव के ही 2-3 युवकों के द्वारा लंबे समय से अवैध शराब बेची जाती है और मना करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की गई है। मारपीट की अलग से FIR दर्ज की गई है और साथ ही अवैध शराब बेचे जाने की शिकायत पर थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेक वर्मा निवासी ग्राम अलदा से 35 पवा देशी शराब और ग्राम मानपुर निवासी वीरेंद्र कुमार ध्रुव से 36 पवा देशी शराब जब्त कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेज दिया है, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अलदा से ग्रामवासी आए थे और ग्राम अलदा के विवेक वर्मा अभिषेक वर्मा तथा मानपुर निवासी सोनू के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी कि पोला त्योहार के दिन तीनों व्यक्ति शराब पीकर गांव की महिलाओं के साथ मारपीट किए थे। मामले में अपराध पंजीबद्ध करके बेचना में लिया गया था। साथ ही गांव वालों द्वारा यह भी सूचना दी गई थी कि तीनों व्यक्ति जो हैं अवैध रूप से शराब की बिक्री भी करते हैं। सूचना पर आज सुबह तिलदा पुलिस जाकर तीनों की तलाश कर रही थी। तीनों में से विवेक वर्मा और वीरेंद्र कुमार ध्रुव उर्फ सोनू दोनों की पकड़ा गया तथा दोनों के पास से देशी मदिरा प्राप्त हुई है। देशी मदिरा के जो प्राप्त हुई उसमें दोनों के विरुद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करके दोनों को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल पर भेजा गया है।